विज्ञान हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और अगर इसे फिल्मों के जरिए दिखाया जाए तो सोने पे सुहागा। इस 9वें राष्ट्र विज्ञान फिल्म महोत्सव में हम आपको फिल्मों के जरिए विज्ञान से रूबरू कराएंगे और साथ ही मीडिया में साइंस जर्नलिज्म से जुड़े क्या बड़ी मुश्किलें और चुनौतियां हैं इस पर भी नज़र डालेंगे। तो आइए चलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना ली है, चाहे वो 1930 में सीवी रमन का आविष्कार रमन किरण हो या फिर इसरो वैज्ञानिकों का सबसे बड़ी संख्या में उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाना हो। वैश्विक पटल पर भारत देश का नाम शान से लिया जाता है, लेकिन भारतीय सिनेमा में जब साइंस फिक्शन फिल्में बनाने की बात आती है तो उसमें बहुत निराशा हाथ लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि देश में रचनात्मक कमी है सही दिशा की। विज्ञान के जानकार मानते हैं कि अगर हमें विज्ञान की लहर को जन जन तक पहुंचाना है तो फिल्मों से अच्छा माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि फिल्म लोगों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ती हैं। How much plastic is enough for mankind and for our home planet Earth? फिल्मकारों ने अब विज्ञान को फिल्मों के जरिए घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है और फिल्मकारों की इस पहल को साथ मिल रहा है विज्ञान प्रसार का। We placed camera traps around the kill and waited. इसके स्वरूप को समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और जितने भी चेंजेस हैं उन सबको उसमें लाके उसको आगे बढ़ाने का विचार है। अभी तक हमने जगह जगह पे इसको आयोजित किया, उसकी भाषा, आसपास के लोगों को, परिवेश को देखते हुए उसको उसी अनुरूप ढालने की चेष्टा की है। आगे हमारा प्रयास रहेगा कि इसको और वृहद कर सकें, उसको बड़ा कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। और ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, फिल्म से बढ़ के कोई और अच्छा कम्युनिकेशन का मोड नहीं है कि हम अपनी बात लोगों तक लेके जा पाएँ। मुझे खुशी है कि आज इस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल लेवल की फिल्म्स भी दिखाई जाएंगी और मेरी आपसे ये गुजारिश है सोन से कि ये एक फेस्टिवल तक लिमिट नहीं होना चाहिए, ये एक कैंपेन बना के जो अपनी सराउंडिंग्स हैं, अपनी सोसाइटी है, उसके लिए हम कितनी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। मेरे ख्याल ये अपनी यूनिवर्सिटी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के बाद बन जाता है। हर साल की तरह इस साल भी विज्ञान प्रसार ने राष्ट्रीय विज्ञान फिल्मोत्सव का आयोजन किया। इस साल ये कार्यक्रम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कराया गया। 9वें विज्ञान फिल्मोत्सव में कई मशहूर फिल्मकारों ने हिस्सा लिया। मेरा कहना सिर्फ ये था, इतना सुझाव था कि विज्ञान प्रसार की ओर से स्कूलों में, कॉलेजों में लगातार मतलब ये एक कंपेन की शक्ल में वहाँ जाना चाहिए, लोगों को कैटर करना चाहिए, उनके बीच काम करना चाहिए। तो ये एक मूवमेंट की तरह होना चाहिए। इसके लिए चाहे और बड़ी ये कर लें, थोड़ी और टीम बड़ी कर लें तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। ये भी चलता रहना चाहिए, बीच बीच में एक उसके कल्बिनेशन के तौर पे एक बड़ा फेस्टिवल हो जाए, लेकिन उस साल भर वो अभियान चलता रहे स्कूलों में, कॉलेजेज में। मेरा सिर्फ ये कहना था। अपॉर्चुनिटीज़ आर इमेंस, टेक्नोलॉजी इज़ गेटिंग डिजिटल, देर इज़ एनिमेशन, देर इज़ स्पेशल इफेक्ट्स, देर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, दीज आर वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़। Some FTII alumni have gone into science filmmaking, but they are just far and few between. But I think in the coming times, as the opportunities increase, as it becomes more remunerative, people will get into it. After all, it's also another form of storytelling, how you are telling a story. And in FTII, people are trained to tell their stories in a very creative way, in a very impactful way. So I think in the times to come, with such festivals, there will be more awareness and more opportunities. इस कार्यक्रम में देश भर से आए फिल्मकार वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बात रखी।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस मौके पर मशहूर फिल्मकार पहलाज निहलानी ने कहा कि हर किसी की अपनी खास कहानी होती है, और यही नहीं, हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा होता है जिसमें विज्ञान भी होता है। फिल्मों के जरिए उस कहानी को ऐसे मंच पर लाया जाना चाहिए। इसे लोगों के साथ साझा कर जागरूकता फैलाने में छात्रों की अहम भूमिका हो सकती है। मैंने जिस तरह से कहा, एनिमल की भी एक स्टोरी है, जो रास्ते पे कहीं भी जो चीज देखते हो उसमें अपने आप में स्टोरी है, जो पानी ड्रॉप जा रहा है उसमें भी स्टोरी है, जो फायर चल रही है उसमें भी स्टोरी है। तो ये सारी जो है डैमेजिंग और अवेयरनेस, आप सारी जितनी भी है गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो, बदलाव में पहुंचा सकते हो। तो मुझे लगता है आप जैसे स्टूडेंट्स, आप लोग ही इसमें बदलाव ला सकते हो, देश में ला सकते हो, लोगों के विचारधारा में ला सकते हो। वहीं मशहूर डॉक्यूमेंट्री मेकर प्रोड्यूसर सिद्धार्थ काक ने कहा कि हमारी विज्ञान की फिल्में ऐसी होनी चाहिए जो एक 8वीं क्लास के बच्चे को समझ आ जाए। उन्होंने कहा कि फिल्म एक बेहद प्रभावशाली माध्यम है, इसलिए विज्ञान को अगर फिल्मों के जरिए समझाया जाए तो लोग इसे ज्यादा आसानी से समझेंगे। पूरे विश्व में इतना प्लास्टिक फेंका जाता है कि इससे पूरी पृथ्वी के चार घेरे बन जाएं। पहले तो साइंस को समझना है, और वो कोई आपको समझाए, वो आप रिसर्च करें, सुने, ध्यान दें, और फिर जब आप फिल्म बनाएंगे तो आप ये सोचें कि जो आप फिल्म बना रहे हैं वो एक छोटी सी 8 साल की लड़की के लिए बना रहे हैं, और अगर उसको समझ में आ जाए तो पूरी दुनिया को समझ में आएगा। तो मैं कहता हूँ, सिंप्लीफाई, इंटरप्रेट, लर्न एंड थिंक। That's the secret of good communication. Communication has to be invisible. अगर कोई किसी को लगे कि आप communicate कर रहे हैं तो फिर वो communication नहीं है, वो एक manipulation माना जाता है। Communication should be effortless, tell the story. सभी लोग जो हैं story बहुत पसंद करते हैं, story के माध्यम से आप बहुत कुछ बता सकते हैं, science भी। पाँच दिन तक चले इस महोत्सव में कई फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई, कुछ फिल्मों को पुरस्कार भी दिए गए। अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको 5 दिन तक चले इस कार्यक्रम की एक एक डिटेल बता रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कैसे 5 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में वर्कशॉप के जरिए विज्ञान के विषयों को अलग और दिलचस्प बनाने के तरीकों को बताया गया। क्या आपने कभी सोचा है कि कार्टून के जरिए हम विज्ञान को जान सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। आइए जानते हैं साइंटून की कला। विज्ञान का नाम आते ही आम लोग उससे भागने लगते हैं। आम लोगों में ये धारणा है कि विज्ञान का विषय जटिल होता है, लिहाजा इसको समझने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता होती है। Whichever subject, mathematics, they are all very, very organized subjects, and इनको समझाना जो है वो इनफैक्ट बहुत ईजी है, और उनको अगर खेल खिलौने से तो और ऐसे तरीके से समझाया जाए जिसमें आप एक फन के तरीके से, जॉय के तरीके से और फेस्टिविटीज के तरीके से आप उसको सीखें, तो साइंस सीखना बहुत ईजी है। इस बात को एक वैज्ञानिक ने समझा और इसमें कामयाबी भी पाई। बात की जा रही है प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की, जो एक वैज्ञानिक और साइंटिस्ट भी हैं। साइंटिस्ट दरअसल एक कला है जो ललित कला और विज्ञान का अद्भुत संगम है। इसमें कार्टून यानी चित्र के जरिए विज्ञान को बेहद आसानी से समझाया जा सकता है। आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। कैसे, देखिए इस साइंटिस्ट कला को। हाउ शी इज फ्लाइंग बैकवर्ड। नाउ साइंटिस्ट आर ट्राइंग नंबर 1, कैन वी लर्न हाउ टू मेक एयरक्राफ्ट गो बैक। नंबर 2, आई मेट अ साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, आई मेट हिम इन चाइना, हिज नेम इज श्रीधर रेड्डी। ही इज वर्किंग इन ए बॉक्स, ही केप्ट दिस हमिंग बर्ड, और वहां पर रखने के बाद क्या किया इन्होंने, उसके विंग्स पे ऑन एवरी मिलीमीटर ही पुट सेंसर्स, and then from one side he gave air thrust, to kya hoga, disbalance hogi, but he found it can balance very nicely,
एंड दिस नॉलेज विल हेल्प कि जब हमारा एयरक्राफ्ट टर्बुलेंस में आता है तो हाउ वी कैन टिल्ट द विंग्स सो दैट देयर विल बी नो अनाउंसमेंट कि आप सीट पे बैठ जाएं, सीट बेल्ट बांध लें, टॉयलेट का प्रयोग ना करें, हम खराब मौसम से गुजर रहे हैं। स्क्रीन पर चित्रों के जरिए विज्ञान को समझाने की कला के माहिर हैं प्रदीप श्रीवास्तव। उन्होंने बताया कि कार्टून के जरिए विज्ञान के भारी भरकम विषय को कैसे आसानी से समझा जा सकता है। और राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस कला को कई यूनिवर्सिटीज ने अपनाया है, लेकिन वो चाहते हैं कि सरकार इस कला को समझे और सभी यूनिवर्सिटी में इसे अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाए। जो साइंटून का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम कैसे पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये MSc मास कम्युनिकेशन के कोर्स में आया लखनऊ यूनिवर्सिटी, दैट बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। फिर अन्ना यूनिवर्सिटी में आया MSc डिजिटल कम्युनिकेशन, फिर देवी लहबा इंदौर में आया, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल में आया, बीएड में आ गया मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में कि हम एजुकेशन में साइंटून कैसे इस्तेमाल करेंगे। एंड आई विजिटेड ब्राज़ील, तो यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो जिसमें 100,000 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ उन्होंने अब साइंटून का इस्तेमाल किया है। तो मेरा एक सपना है थ्रू यू आई वांट टू कन्वे कि जो हमारे NCERT और CBSE के लोग हैं ये अगर साइंटून को बच्चों के सिलेबस में डाल दें तो शायद साइंस एजुकेशन इंडिया की ऐसी बन जाएगी जो दुनिया में कहीं नहीं होगी, और हम बच्चों को शुरू से एक अच्छा साइंटिस्ट बना के हम अपने देश का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से आप मीडिया में अभी भी आप 24 घंटे का साइंस चैनल नहीं देख सकते, उसी तरीके से आप मीडिया के कोर्स में साइंस और हेल्थ रिपोर्टिंग कैसे होनी चाहिए इस पर भी बहुत कमी देखी गई। आइए चलते हैं इस पर क्या चर्चा हुई। इसी महोत्सव में एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ। इसमें जर्नलिज्म के कोर्स में विज्ञान से जुड़े विषय वस्तु को शामिल करने पर खास चर्चा हुई। इस मसले पर वर्कशॉप में देश के अलग अलग हिस्सों में जर्नलिज्म के अध्यापकों ने अपनी बात रखी। साइंस रिपोर्टिंग के तरीकों पर भी चर्चा हुई। सिर्फ पैसा कमाने के लिए जर्नलिज्म कोई काम का नहीं है। जर्नलिज्म इज आई मीन इट इज ऑलवेज सेड दैट इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। सो जर्नलिस्ट ऑफ दिस कंट्री दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आइडियल जर्नलिज्म and how to be away from yellow journalism and how to be away from being bought and sold। एक तरफ जहां विज्ञान के प्रसार को दिलचस्प बनाने के तरीके बताए गए, वहीं विज्ञान के विषयों को किस तरह से पढ़ाया जाए इसके भी तरीके समझाने की कोशिश की गई। हेल्थ रिपोर्टिंग में किन बातों का ख्याल रखा जाए इसके लिए यूनिसेफ ने अलग से वर्कशॉप का आयोजन किया। इसमें हेल्थ बीट से जुड़े पत्रकार और मीडिया कोर्सेज के छात्रों ने हिस्सा लिया। मेरा तो ये मानना है कि जितने भी सरकारी पत्रकारिता के संस्थान हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो और चाहे वो केंद्रीय संस्थान हो, उन सब में इस तरह के करिकुलम में होना चाहिए, उनके पाठ्यक्रम में ये होना चाहिए कि आप किस तरह से रिपोर्टिंग करें, किस तरह से आप जर्नलिज्म करें या पत्रकारिता करें कि वो एक जो पैमाने हैं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता के, स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं के, उन पर खड़े उतरें, और किस तरह से हमारे जो छात्र छात्राएं आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं पत्रकारिता के बारे में वो उनके बीच में जब तक जानकारी नहीं होगी वो जानकारी को आगे नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। साथ ही साथ हेल्थ कम्युनिकेटर्स यानी जो पत्रकारिता में है लोग, ऐसे लोगों को शामिल करके एक हफ्ते की वर्कशॉप की जाए जो साइंस या हेल्थ कम्युनिकेशन पर पढ़ाए, उसके विभिन्न आयाम जितने भी हो सकते हैं उन आयामों पर एक तरह से चर्चा करें और एक तरह से थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्पर जो है वो लोगों में, भले ही आर्ट्स पढ़ा हुआ आदमी हो, जरूरी नहीं कि साइंस वाला ही साइंस रिपोर्टिंग करे, हिंदी में तो पॉसिबल है ही नहीं, तो इसलिए साइंस आर्ट्स पढ़ा हुआ आदमी भी यदि साइंटिफिक टेंपर थोड़ा सा समझ लेता है, एटीट्यूड उसके अंदर इस तरह का आ जाता है तो वो साइंस की रिपोर्टिंग भी कर सकता है। तो इस तरह की वर्कशॉप्स करवाने की जरूरत है। आपने देखा कैसे वर्कशॉप के जरिए वैज्ञानिकों ने ये बताने की कोशिश की कि साइंस रिपोर्टिंग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। चर्चा के दौरान 24 घंटे के साइंस चैनल की जरूरत पर भी जोर दिया गया। कोई सैटेलाइट जा रहा है, कुछ ऐसी चीज हो रही है, विस्फोट किया, जिसकी न्यूज वैल्यू, तो वहां साइंस की तरफ भागते हैं। और फिर मीडिया वालों को ये पता भी नहीं होता है कि उन्हें बेचारों को किसे कॉन्टैक्ट करना है, किससे, कौन एक्सपर्ट है।
क्योंकि न्यूक्लियर के एरिया में जो एक्सपर्ट होगा वो ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी स्पेस के बारे में जानता हो, है ना। और जो नैनो टेक्नोलॉजी जानता होगा वो बिल्कुल भी बायोटेक्नोलॉजी नहीं जानता होगा। तो ये दो कल्चर हैं अलग अलग। अब सवाल ये है कि अगर हमको साइंस की खिदमत करनी है और मीडिया को करीब लाना है तो फिर हमें लगातार नई चैनल्स बनानी पड़ेंगी जो साइंस के लिए डेडिकेटेड होने चाहिए, जिसमें हम ट्रेन करें शुरुआत से। जैसे एक प्रोग्राम लंबा चल रहा है तो उसमें कुछ बच्चों की RSTV में ट्रेनिंग हो गई। पूरी अगर चैनल होगी तो हम एक आर्मी तैयार कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत है नेशनल लेवल के ऊपर। और अगर कई चैनल्स हैं, अखबार हैं हमारे, मैगजीन्स हैं हमारे, तो फिर हम ट्रेन कर सकते हैं साइंस को कम्युनिकेट करने में। जितनी भी कम्युनिकेशन की टेक्निक्स हैं उसके अंदर जितना ज़्यादा व्यापक प्रयोग होगा, जितना ज़्यादा उसका उपयोग होगा, इस सब की उपादेयता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। रही बात मंचों के बढ़ाने वाली बात, तो अभी तक हमारे देश में अभी भी फ्री टू एयर बहुत कम चैनल हैं और उसके अंदर दूरदर्शन एक अकेला ऐसा माध्यम है जो फ्री टू एयर है। बाकी बहुत सारे चैनल पेड हैं। उन पेड चैनल्स की जो आउटरीच है वो लिमिटेड है उन लोगों तक ये जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और दूरदर्शन के में जब हम ये काम करेंगे तो अभी तो हम DD नेशनल के साथ चल रहे हैं, बट कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम एक अपना इंडिपेंडेंट चैनल बना पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे उसके अंदर दे पाएँ। तो ये सब अभी एक कल्पना और एक परियोजना के स्तर पे हैं। उसको मूर्त रूप देने के लिए आगे आने वाले समय में देखें हम कहाँ पहुँचते हैं, और सबका सहयोग रहेगा तो हम ज़रूर कर पाएंगे। ऐसे एक ही प्रोग्राम साल में नहीं, ऐसे प्रोग्राम हमें 5-6 और विभिन्न प्रकार के, फिल्म फेस्टिवल ही नहीं, हम एग्जीबिशन भी कर सकते हैं, हम शोज़ भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर जन जन तक ले जाना है तो हमें ये काम करना पड़ेगा। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान प्रसार द्वारा आयोजित 9वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह के समापन में विज्ञान के क्षेत्र में फिल्म बनाने के लिए 7 विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। Some say it is a cat, an otter, a civet, and many call it a leopard, while some say it's something else. This unknown animal has created panic among the local mass. राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 9वें संस्करण को 258 प्रतिष्ठियों की रिकॉर्ड संख्या मिली और अंत में 77 भारतीय फिल्मों और 16 विदेशी फिल्मों को राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2019 के 5 दिन के दौरान प्रदर्शित किया गया, जो सामाजिक रूप से उपेक्षित विषयों जैसे कि यौन शोषण, पुरुष, बच्चे, दृष्टिबाधित लोग, सौर ऊर्जा, प्लास्टिक का उपयोग, हंसी का महत्व जैसे विषय शामिल थे। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और जूरी के अध्यक्ष विक्रम गोखले के साथ पंजाबी फिल्म अभिनेता जसविंदर भल्ला ने फिल्म महोत्सव के अंतिम दिन विजेताओं को पुरस्कार दिए। जिसमें साइंस भरा हुआ है और जो हम लोगों को भी मालूम नहीं था, ऐसी फिल्में लाजवाब थी। ये टेक्निकली अगर मैं कहना चाहूँगा तो यू आर बिगिनर्स, हाउ टू राइट द स्क्रिप्ट एंड हाउ नॉट टू राइट द स्क्रिप्ट, इस पे आपको अभ्यास करना जरूरी है ऐसा मैं समझता हूँ। अनूप खजूरिया द्वारा निर्देशित द गोल्डन थ्रेड ने सरकार प्रायोजित फिल्म श्रेणी में गोल्डन बीवर पुरस्कार जीता। दूरदर्शन द्वारा निर्मित फिल्म जलवायु परिवर्तन के कारण मूगा कीड़े के कारण हुई क्षति पर आधारित है, जो असम के बुनकरों की आजीविका को प्रभावित कर रही है। द गोल्डन थ्रेड इसी चीज को दर्शाती है और सबसे ज्यादा दर्शाती है कि कैसे जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है वो ज़्यादा नहीं जानता कि क्लाइमेट चेंज क्या चीज़ है, ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है, लेकिन वो ये ज़रूर जानता है कि उसके जो जीवन यापन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके लाइवलीहुड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और ही इज़ रेडी टू फाइट बैक, दे आर रेडी टू फाइट बैक। एक साधारण प्रयोग से ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि किस प्रकार अल्ट्रावायलेट विकिरणों को सोखने वाले सनस्क्रीन के उपयोग से मधुमक्खियां तथा क्रैब स्पाइडर्स के व्यवहार को समझा जा सकता है।
इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर विपुल कीर्ति की डॉक्यूमेंट्री वांटेड ब्राइड जो कि फ्लावर क्रैब स्पाइडर के उपेक्षित समूहों पर केंद्रित थी और वैज्ञानिक कहानियों को प्रदर्शित किया गया था। इसे जूरी सदस्यों ने गोल्डन बीवर अवार्ड से सराहा। करोड़ों वर्षों के उद्विकास में क्रैब स्पाइडर्स ने भी मधुमक्खियों को अच्छे लगने वाले फूलों पर रहना सीख लिया है। क्रैब स्पाइडर्स न केवल अल्ट्रावायलेट किरणों को परावर्तित करके मधुमक्खियों को आकर्षित करती हैं, फूलों पर शिकार करने लायक बेहतरीन स्थान का चुनाव करने में भी सक्षम होती हैं। अगर एक साइंटिस्ट अपनी लैब में बहुत सारा काम कर लेता है पर वो समाज तक नहीं आ पाता है तो वो काम का नहीं रहता है। हम में से ढेर सारे लोग बाग इतने बढ़िया इनोवेशंस करते हैं पर वो समाज तक आने चाहिए। वो इनोवेशन तब महत्वपूर्ण है जब वो किसी व्यक्ति या समाज के लिए काम के हों, और ख़ास करके मेडिकल फैटर्निटी वाले साइंटिस्ट के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें जो खोज वो कर रहे हैं वो किसी तरीके से हमारी बीमारियों को दूर करें, वो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो ये सब चीज़ें सबको करना पड़ेंगी तभी हमारा समाज जो है वो आगे बढ़ पाएगा। वहीं माइक सांगमा द्वारा बनी फिल्म संजय वन दूसरी श्रेणी में रही। For these birds and animals, there is no other place they would rather be. A sprawling Eden. A land that secretly cradles life in a tiny, isolated patch of wilderness, right in the heart of India's capital city, New Delhi. Sir, I want to thank the jury, the science, Vigyan Prasar and Rajesh Sabha TV, who's the partner in that. Because sometimes when we make films, it just goes to the YouTube. Maybe some things work, something doesn't work. There are not many, I mean, it's not recognized sometimes. So giving the platform to young filmmakers, established filmmakers, and even school children and college students to recognize their work, especially in a genre where there is science involved, where there's nature involved, it's a very incredible thing to be doing, and thank you so much for that. This goes to festivity of. जबकि कॉलेज द्वारा बनाई गई फिल्म की श्रेणी में राजकिशोर को उनकी फिल्म फेस्टिविटी के लिए श्रेय दिया गया। ग्रीनवुड की माँ प्रकृति को बचाने और वनों की कटाई को छोड़ने के संदेश के साथ गोल्डन बीवर अवार्ड जीता। साइंस तो हर चीज़ से जुड़ा हुआ है, पूरी ज़िंदगी ही साइंस है। तो जिस तरह की फिल्में दिखाई गई बहुत ही उत्साहवर्धक फिल्म थी। नेचुरल साइंस पे हम लोग ने इसको फोकस किया कि कैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए लोकल पीपल अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट तो चलता ही है लेकिन जब तक लोग खुद इसमें भागीदारी नहीं दिखाएंगे तब तक फॉरेस्ट को बचाना मुश्किल होता है। ऋषु तिवारी द्वारा बेस्ड स्वचालित ड्रोन की मदद से खेती के तरीकों को नया रूप देने के आधार पर स्कूली छात्रों द्वारा बनाई गई फिल्मों की श्रेणी में गोल्डन का दावा किया। इसके अलावा फिल्म निर्माताओं को रिसर्च, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, ग्राफिक्स और एनिमेशन के लिए विशेष जूरी पुरस्कार भी प्रदान किए गए। कुछ फैक्ट्रीज हैं जो प्रदूषित कर रही हैं, खेत कट रहे हैं, पेड़ का कटाव हो रहा है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है एजुकेशन की और नॉलेज की, और एजुकेशन और नॉलेज, इफेक्टिव नॉलेज पहुँचती है लोगों को फिल्मों के द्वारा, जैसी फिल्में हम बनाते हैं। साइंस एंड फिल्म्स आर स्टिल टू डिफरेंट मीडियम्स स्टिल लाइक थॉट ओवर, विच आई रियली डोंट थिंक सो, बिकॉज साइंस इज द वे दैट वी लिव। इट इज नॉट डिफरेंट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इक्वेशन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट थियरीज, बट इट इज द वे वी लिव। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के फिल्म और एनिमेशन छात्र विश्वास सराफ ने महिला सुरक्षा को बढ़ाने पर आधारित अपनी फिल्म स्पेशल क्वीन के लिए ऑन द स्पॉट श्रेणी में पुरस्कार जीता। पहली बार था जब मैंने किसी फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करा और मेरी पहली फिल्म थी एंड टू अडैप्ट द चेंज, जो आउट ऑफ द बॉक्स कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी पहली बार, और फिर उसके ज़रिए मेरे को यहाँ आने का मौका मिला और इधर आके मेरे को एक और मौका मिला जिसमें मेरे को ऑन द स्पॉट फिल्म बनानी थी। एक दिन का टाइम मिला था, वो मैंने बनाई और नतीजा आपके सामने है।
22 विभिन्न श्रेणियों में छात्रों को 12 लाख रुपए से अधिक का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। Dancing on lips, cheering on the faces and swimming like the shiny dreams in eyes and jumping on the cheeks like air bubbles. Do you know who's it? Yes, you guessed it right. Of course, our smiles. हमारी फिल्म में हंसी का सारा पक्ष दिखाया गया है। It's not only biology, physics, chemistry और psychology, सच्ची हंसी या झूठी हंसी आप क्या और सबसे स्पेशल बात जो कि यहाँ की किसी फिल्म में नहीं थी वो थी हमारा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है तो हंसी को लेकर या इस साइंस को लेकर सो ये भी हमने इंक्लूड किया था। छात्रों को संबोधित करते हुए विक्रम गोखले ने कहा कि मास कम्युनिकेशन एक ऐसा विषय होना चाहिए जिसे प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा के हर क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति को अपनी उपलब्धियों को रखने का अधिकार देता है। वहीं पंजाब के मशहूर फिल्मकार जसविंदर भल्ला ने कहा कि बॉलीवुड की तुलना में पंजाबी फिल्म उद्योग पूरी तरह से विज्ञान से अछूता है जिसने न्यूटन रावण और रोबोट जैसे विज्ञान कथाओं का निर्माण शुरू कर दिया है। साइंस दे विच देखो बहुत घट फिक्शंस ने जिहड़ियां साडियां फिल्मां बनदियां ने। साढ़े इंडिया की मूवी बनी सी साइंस ते फिक्शन ते फर्स्ट वन मिस्टर इंडिया। मेरा नाम कैलेंडर है, व्हाट योर नेम इज प्लीज। मिस्टर इंडिया तो बाद फिर रावण। होर किस तरह रॉबर्ट हार्डली मेरे ख्याल 5-7 गेड़ियाँ सी फिंगर्स से गिन सकते हैं और हॉलीवुड से मेरे ख्याल तुम थाउजेंड दे विच और ईवन हंड्रड दे विच देख सकते हो किनिया। पर फिर भी जदों साडे विच इस तरह दियाँ साइंस वालियाँ गल्लां सानू देखण विचर नू मिलदियाँ तां असीं प्राउड नाल विचरदे हां और कहने हां कि साडा मुल्क भी बाहरले मुल्कां वांगू तरक्की कर रहा वा। सो इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि और दबंग फिल्म श्रृंखला के लेखक दिलीप शुक्ला ने कहा सरकार को ऐसे कार्यक्रमों का समर्थन और आयोजन जारी रखना चाहिए क्योंकि संदेश फैलाने के लिए फिल्में सबसे अच्छा माध्यम है। एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी ग्लोबली। ऑन एन एवरेज इंडिया प्रोड्यूसेस 1200 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ टी इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। ये पॉसिबल है क्योंकि फिल्म में आपके पास वो जरिया है बताने का आप ठीक से। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, बहुत ही गंभीरता से कहना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को आप लें जो सोशली थोड़ा हेल्प भी हो अपना चीज़ों में और लोग उससे कुछ सीखें, कुछ समझें आपकी कहानियों से। ऐसे विषयों को ज़रूर चुनें, वरना विषय ठीक है, एक आपने फिल्म बनाई, लोगों ने देख ली, अच्छी फिल्म थी, लेकिन वो अच्छी फिल्म थी, उस फिल्म ने ऐसा कुछ कहा भी है तो मुझे लगता है वो ग्रेट फिल्म, ग्रेट कहानी हो जाती है। अलग अलग शहरों में नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के सौजन्य से जो साइंस सेंटर बने हैं भारत के 25 शहरों में, वहाँ ये फिल्में दिखाई जाती हैं। अलग अलग सिटी लेवल पे फिल्म फेस्टिवल होते हैं। कहते हैं कि जहाँ विकास होता है वहीं विज्ञान होता है और मुझे उम्मीद है कि इस महोत्सव के ज़रिए आप तक विज्ञान की लहर ज़रूर पहुँची होगी। कैमरामैन दिलीप मेती और कैमरा सहयोगी सुनील पासवान के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी।